हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुदामा भदौरिया चैनल। आज मैं जा रही हूँ फतेहपुर, भाई की शादी है तो शॉपिंग करनी है कुछ, तो फिर चलिए। बहुत गर्मी है ना सर, धूल उड़ रही है हर जगह। ठंडी का मौसम सही रहता है, अब आ गई हूँ मैं चौक। मुझे चूड़ी लगवानी है साड़ी की, ये भैया की दुकान है। यहाँ से ले ली मैंने चूड़ी, ये भैया है चूड़ी वाले, इनकी बहुत ही अच्छी दुकान है फतेहपुर में चौक में। यहाँ पे चाइना वाले हैं तो मोमो बहुत अच्छा बनाते हैं, और स्प्रिंग रोल्स वही लेने गया है अंशु, और अब हम जा रहे हैं। लेके आ जाए अंशु, फिर इसके बाद में घर जा रहे हैं। ये हमारे यम्मी से मोमो चाइना वालों की बहुत ही टेस्टी है। बहुत जबरदस्त है, बहुत टेस्टी है। ये साड़ियाँ हैं जो मैं कानपुर से लाई थी, राज रतन से आ गई है फिनिशिंग होके। ये मेरी है और ये बदामा की है, मेरी बहन की है। दोनों एक मतलब कलर में डिफरेंट है लेकिन वर्क एक ही है, तो दोनों एक तरह की पहनेंगे। और इसके साथ मैंने महरून की वेलवेट की चूड़ी लगवाई है तो अच्छी लगेगी। और ये देखो कान की लेके आई थी फतेहपुर में, बहुत अच्छे थे। और इसमें भी है कुछ बिंदी है कलर वाली। और ये पर्स लेके आई हूँ, इस साड़ी में मैच करेगा पर्स, अच्छा लगेगा निकासी में पहनने के लिए। और एक ये साड़ी येलो लाई हूँ, अभी मैंने इसको सही नहीं करवाया, ब्लाउज नहीं सिलवाया, ऐसी है। लेकिन मेरे पास येलो काफी रखती है, चार पांच रखती है, तो मैं कोई भी पहनूंगी, इसको बाद में सही कराऊंगी, लेकिन दिखा रही हूँ आप लोगों को। बस इतना ही सामान लाई हूँ, और भाई की शादी की शॉपिंग है, और अब कल मुझे जाना है सैलरी, तो अब मेरी पैकिंग हो रही है, सारा सामान पैक करना है। तो चार पांच दिन मुझे रुकना है, तो बहुत सारे कपड़े हैं। एक ये ब्लैक साड़ी डाल लूंगी, किसी दिन पहन लूंगी। और ये तो मेहंदी के लिए है, सुबह से पहन लूंगी, फिर इसके बाद में ये गाउन पहन लूंगी फंक्शन में। और ये वाली साड़ी हल्दी की है, ये बहुत अच्छी है, इसको तो मैंने कई बार पहना है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये जो अंशु पापा अमृतसर से सूट लाए थे, इसको कल सुबह जाने में पहनूंगी। यही सब पैकिंग है। और बहुत सारे कपड़े हैं, एक ये साड़ी है, इसी तरह से बहुत सारे हैं। और ये सब रात में पहनने के लिए है, सोने के समय।
में मेरी भर गई, अभी तो बहुत सामान बकाया है। इसका दुपट्टा कितना अच्छा, अब हो गई पूरी पैकिंग। कल जाना है मुझको, कल वो है हल्दी है, 15 तारीख की शादी है, और अभी मैं जा रही हूँ पार्लर, मुझे थ्रेडिंग करवानी है, बाल सेट कराना है और फेसियल कराना है। अनीता जी के पार्लर में मुझे आज बाल की कटिंग भी करानी है। 1 साल भी कराती हूँ ना, अच्छा 1 साल का फुर्सत, खूब अच्छा है, मस्त पार्लर है। मुझे भी दिल कराओ तो लागे तो देखो देखो कैसे मुंह फैला रहा है। बड़ा शैतान है, बिट्टी के पास जा रहा है। छोड़ दे संगीता, ये देखो। अब जा रही हूँ, तैयार हो गई हूँ, अब पूरे बराबर ब्लॉग आएंगे मायके के। अब वही मिलते हैं आप लोगों से कैमरी में, बांदा में। सानू भी जा रहा है, किंग छोड़ने जा रहा है। अब आ गई हूँ गाँव सैमरी, और आज नवागढ़ का है, तो मेरे 4-5 दिन लगातार ब्लॉग आएंगे, तो प्लीज आप लोग जा करके मेरे यूट्यूब चैनल में देखिए सुदामा भाई जी को, और सभी बहने हम लोग शाम को हल्दी है। आ गई हूँ गाँव, ये अम्मा मेरी बेटी है, दादी लोग हैं, ये बहन है, सभी बहने आ गई हूँ। पीजी है जो मिलने वाला है आगे, मम्मी से ले ले तो 400 रुपया खाया आइसक्रीम छक के, मौसी से ले लो मन्नू। कौन है भतीजी बोल रही है?
नई गाय है हमारी। हाय कर दे नई गाय। हाँ सब बढ़ गया। ये मेरे पिताजी हैं, ये चाचा लोग हैं। बन रहा पहले टिकट का कार्यक्रम हो रहा है, ये भी रसम है। मठियान का कार्यक्रम है, ये भी एक रसम होती है। जो जो बांदा जिला से होंगी सब जानती होंगी, और हर जगह तो होता है, फतेहपुर कानपुर हर जगह। हाँ रात में डाल दे है ना, रात में ब्लॉग पर जाए देख लीने सब जगह। बजाओ गाओ थी चल ये मामा के हल्दी वीडियो।